बेटा ज्यादा सोचो मत है, जाओ देखो रागिनी कहाँ है, देखो जाओ जाओ बेटा। हनीमून में हंगामा तो हम ले आएंगे। आप ठीक तो है ना सृष्टि जी? पीशु जी जी, हम ऐसे में क्या करेंगे? हमें तो आगे जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। सृष्टि जी आप चिंता काहे करती हैं? हम हैं ना आपके साथ, और अब जो कुछ भी हुआ है ना इसका मजा लीजिए। और सृष्टि जी एक दिन है ना आप इसे याद करके हंसेंगी कि अपने हनीमून पर हम खुद ही खो गए थे। बड़की भौजी को एक बात कहे तुमको, तुम्हारे साथ घूमने का एक को फायदा है, कोनो चोट उहार से डरने का जरूरत नहीं, तुम तो अपने गुंडा, हमारा मतलब कि कितना ताकतवर हो, एकदम राउडी। हाँ कितना निमन जगह है ये, हमको बहुत अच्छा लग रहा है उदयपुर में। राग बाबू अतिका सही हार के बद जाइएगा, एकदम में ना गया बैताल बनल तो तिका संभाल के आए। अरे वाह तुम यहाँ बैठी हो। ऐसा रागिनी वो देखो वो गार्डन में जो लोग चल रहे हैं वहां पे, वो गार्डन में जो लोग, अच्छा वो जो पॉन्ड है वो लेक देख रही हो तुम, वहां पे ना बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियां हैं। अरे रागिनी तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए जब देखो मुझे यूं अकेला कहीं भी छोड़ के चली जाती हो। अपने पति की कोई वैल्यू है या नहीं? अच्छा मिस्टर जी हमें वैल्यू नहीं है आपकी? हाँ सवेरे से देख रहे हैं आप हमें छोड़ के, कभी बच्चों के साथ खेलते हैं, कभी गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा वही जो वो टेनिस और बैडमिंटन जो बोलते हैं आप? हाँ कभी अपने दोस्तों के साथ, और हम यहाँ अकेले परेशान होते रहते हैं। आप हनीमून पे हमारे साथ आया ना, लेकिन हमारे साथ तो है नहीं, तो फिर आप किसके साथ है? मैं? देखिए मिस्टर जी आप हमें सच सच बताइए कि आप किसके साथ? इस अंगनी वाला जो बात है ना बहुरानी को मत बताना है। मिस्टर जी बता ही नहीं रहे हैं कि वो संगिनी के साथ थे, अभी हमसे झूठ भी बोलेंगे